बता दें जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को लेकर इस समय सीएम ने फिर अपील की है ट्विटर पर। सीएम की आमजन से अपील है, वीडियो बनाओ और जीतो इनाम। तो ट्विटर पर सीएम की आमजन से अपील, एक बार फिर से सीएम ने अपील की है इस वीडियो कॉन्टेस्ट को लेकर। उन्होंने लिखा है, वीडियो बनाओ और जीतो इनाम। तो जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को लेकर सीएम की फिर से अपील, जहां पर ट्विटर पर सीएम की आमजन से अपील है। उन्होंने लिखा है कि वीडियो बनाओ और जीतो इनाम। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, फिर से एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है, आमजन से अपील की है। उन्होंने लिखा है, वीडियो बनाओ और जीतो इनाम। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, आज इस प्रतियोगिता को लॉन्च किए हुए 3 दिन हो चुके हैं और जो 15 लाख परिवार वंचित रह गए, जिन्होंने अभी थोड़ा महंगाई राहत केंद्र में जाके रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मकसद है कि वो लोग जागरूक हुए और केंद्र में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके लिए ये इनामी प्रतियोगिता लॉन्च की गई, जिसको लेकर कैंपों की तरह इस प्रतियोगिता में लोगों को बेहद उत्साह है। ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो बनाकर अपलोड करें, इसके लिंक शेयर करें। इसके लिए सिर्फ खुद सीएम अशोक गहलोत अपील कर रहे हैं। उन्होंने आज फिर आमजन से अपील की है कि आप अपने 2 अच्छे वीडियो बनाइए और जो जनसम्मान वेबसाइट है उस पर उनके लिंक शेयर करिए और जूरी आपके वीडियो को सेलेक्ट करके आपको इनाम देगी। पर डे 103 लोगों को 3.25 लाख रुपए की राशि के जो इनाम है सौरभ, वो दिए जाएंगे। करीब 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का टारगेट इसके पीछे रखा गया है। फिर वो वीडियो अपलोड करेंगे तो सरकार की जो स्कीम है महंगाई राहत कैंप है, उनका ऑटोमेटिक प्रचार हो जाएगा। संभवतः पहली ऐसी सरकार है हिंदुस्तान में जो इस तरह प्रतियोगिता के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार करवाएगी और लोगों को नामी राशि देगी। ऐसे में अभी तक कॉन्टेस्ट के जो रजिस्ट्रेशन है उनको लेकर क्या कुछ खबर है? जी देखिए, लगातार लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हालांकि वो डेटा है वो पब्लिकली नहीं किए जा रहे, लेकिन कल जो पहले 103 विजेता है उनके नाम घोषित किए जाएंगे और हर 2 दिन बाद, जैसे 9 तारीख के जो विजेता जो लोग लाभार्थी है वीडियो लिंक शेयर करेंगे उनके 12 जुलाई को परिणाम जारी किए जाएंगे। ऐसे 2 दिन का गैप रख के हर 3रे दिन जी रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा और 103 लोगों को 3.25 लाख राशि के इनाम पर डे दिए जाएंगे और 103 लोगों को पर डे इनाम मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को लेकर सीएम की फिर से अपील लोगों से। ट्विटर पर सीएम की आमजन से अपील है, जहां उन्होंने लिखा है कि वीडियो बनाओ और जीतो इनाम। तो लोगों को एक बार बड़ा मौका, बेहतर मौका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है उनके पिटारे से, जहां पर जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है। लोगों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे इसके माध्यम से और तमाम जो सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर लोग वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे और उसके बाद उनको नगद पुरस्कार प्रतिदिन दिए जाएंगे।